हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हमारी जो KTM RC है उसके अंदर जो है आज हम एक्रावॉइक का एग्जॉस्ट फिट करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज हमने जो है इसके अंदर एक्रापोइक का एग्जॉस्ट फिट कर दिया है। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है हमने जो गैस वेल्डिंग है उसके थ्रू जो इसमें ये वाले जो पर्टिकुलर एरिया है इसके ऊपर जो है इससे मिलता जुलता जो पाइप लिया है हमने और इसको जो है वेल्ड किया है। सो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो बाइक है दिखने में बहुत ही नाइस, बहुत ही स्पोर्टी लुक आ रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये वाला अच्छे से फिट हो चुका है इसके अंदर और इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। सो ऊपर है अभी आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट है हमने जो 390 आती है जो 2020 मॉडल है उसके अंदर एग्जॉस्ट है उसके ऊपर ये ऐसा कटआउट देके नहीं कि हम जो क्लिपॉन्स है वो ऐड कर सकते हैं। सो मैंने वैसे ही किया है जो 390 में आता है सेम उसको जो रिप्लिकेट करने का कोशिश की है इसमें। सो मैंने जो हमारा जो पुराना साइलेंसर था उसके ऊपर ही हमने ये वाला जो बेंड पाइप है और जो एग्जॉस्ट है स्लिपॉन्स वो हमने यहाँ पे लगाए है। तो इसके अंदर मैंने फ्री फ्लो किया होता जैसे कि बहुत जन करते हैं वो बहुत ही लाउड हो जाती और लाउड होने के बाद आपको पता ही है कि लाउड होने के बाद बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आता है उसका। तो मैंने क्या किया जो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया है वो भी ऐसा खाली खाली नज़र आता जो लुक है वो ख़राब कर देता। सो इसलिए मैंने इसके ऊपर ही स्लिपॉन्स किया है। सो अभी इसकी जो है साउंड सुनाते हैं अभी आपको। जो हमारे जो एक्रोपोइक एग्जॉस्ट है उसकी जो साउंड आपको सुनाते हैं अभी विद डीबी किलर, विदाउट डीबी किलर भी आपको बताएंगे उसका जो साउंड है वो। इसका जो साउंड है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है, बहुत ही अच्छा साउंड है इसका। सो इसको विदाउट डीबी किलर भी आपको सुनाएंगे इसके साउंड। तो अभी आपको वो सुनाएंगे इसका विदाउट डीबी किलर वाला साउंड जो कि आप देख सकते हैं इसका जो डीबी किलर है वो हमने हटा दिया है और इसका जो है विदाउट डीबी किलर वाला जो साउंड है वो आपको सुनाते हैं। अब इसका जो है फ्री फ्लो आपको इसका जो फ्री फ्लो वाला साउंड है वो भी आपको सुनाएंगे। सो अभी इसको स्टार्ट करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा इसका जो इसका साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और हाँ, मैं इसकी जो प्राइस है, जो इसकी जो गैस वेल्डिंग में जितना भी प्राइस है वो तो बताना भूल ही गया। सो मैं पहले एक वेल्डिंग के पास, मतलब जो शॉप वेल्डिंग जिसकी है उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये प्राइस बोला था। सो पर मैं दूसरी शॉप में गया तो मुझे ये वाला जो पूरा सेटअप है वो 600 रुपये में करके दिया है, इंक्लूडिंग ये क्लैम और ये वाला जो वेल्डिंग है वो। सो फ्रेंड्स, कमेंट में बताएं कि इसका जो साउंड है आपको एक्रापोइक एग्जॉस्ट के साथ कैसा लगा। सो आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।